105 mm लाइट फील्ड गन से ये सलामी दी गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में ये सलामी दी गई है, आपने देखी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और गन पोजीशन ऑफिसर इसमें नायब सूबेदार अनूप सिंह थे। ये कर्तव्य पथ पर आपने देखा 21 तुकों की सलामी दी गई और ये घुड़सवार टुकड़ी राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की अपनी जगह पर वापस जाते हुए। रोहित सैनिक यहाँ से अपने निर्दिष्ट स्थान पर चले जाएंगे जहाँ वो खड़े रहेंगे और कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय गौरव लोग कैसा मंत्र मुग्ध होकर के अपने सैनिकों को देखते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति हमारी राष्ट्रपति के ठीक दाहिने कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। इस बार जो सलामी दी जा रही है वो भारतीय तोप से दी जा रही है, 105 मिलीमीटर भारतीय तोप, जिसको कि हमारे ही देश में बनाया गया और हमारे ही देश के लोग उसका संचालन करते हैं। परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ABSM, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र आ रहे हैं। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ कर रहे हैं। ये दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है और 1986 में सेकेंड लांसर्स में इनका कमीशन हुआ था। डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन के सर्वश्रेष्ठ छात्र रहे, जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी फोर्स के कमांडर रहे, स्ट्राइक कोर की सफल कमान संभाली। तो कर्तव्य पथ पर हम परेड कमांडर को इस वक्त देख रहे हैं, सलामी दे रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी धीरज सेठ सलामी देते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और इसके बाद पीछे ये जो आप देख रहे हैं परेड की शुरुआत हो चुकी है। परेड कमांडर सबसे आगे निकलते हुए और उसके बाद परेड उप कमांडर भी है। परेड उप कमांडर जो है वो है नेतृत्व दिया गया है मेजर जनरल भवनीश कुमार को। 1989 में पैराशूट रेजिमेंट में इनको कमीशन किया गया था। जम्मू कश्मीर में माउंटेन ब्रिगेड की कमान इन्होंने संभाली। उत्तर पूर्व में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन्होंने किए, सियाचिन और पश्चिमी सीमा में ऑपरेशन किए। तो भारत के लिए दोनों ने धीरज सेठ ने और भवनीश कुमार दोनों ने जो है अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी जब तमाम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन किए। तो परेड की शुरुआत हो चुकी है। परेड कमांडर और परेड उप कमांडर जो सलामी गार जहां पे निरीक्षण होता है सलामी गार राष्ट्रपति के मंच के सामने से निकलते हुए और राजपथ जो भाई कर्तव्य पथ बन गया है सलामी देते हुए परेड उप कमांडर मेजर जनरल भवनीश कुमार। एक क्विक कमेंट में आपसे लेना चाहता हूँ एयर मार्शल साहब, राजपथ कर्तव्य पथ इसको करना कैसा लगा आपको, नाम बदलना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ओवरड्यू था ये सब करना और जो कर्तव्य का जो प्राथमिकता जो है, जैसे मैंने पिछली बार जब आपने आपसे पूछा तो मैंने ये कहा था कि इतना पढ़ाया नहीं जाता हमें कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, तो इसको जो है जनता के सामने रखना और जिस तरह से हमें हमेशा याद दिलाना कि हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, ये सब जो है बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हैं जो हमारे देश में आ रही है। और कमांडर राजीव आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगी कि स्वदेशी क्षमताओं का जो इजाफा हो रहा है, न्यू इंडिया की ये जो तस्वीर हम आज देख रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? और साथ ही कर्तव्य पथ जब राजपथ का नाम बदल दिया गया तो आपकी क्या भावनाएं थी? देखिए कर्तव्य पथ करते ही हर भारतीय को इस समय ये एहसास रहेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ये नाम बदलने से ही हम सबके जहन में ये बात आज से ज़्यादा जरूरी आ जाएगी कि हमारे दायित्व क्या हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं। और आज तक जो हम इतने वर्षों से सिर्फ अपना हमारे राइट हैं वही मांगते रहे, लेकिन आज हम हर नागरिक अपने कर्तव्य करेगा और भारत को एक
और खुशहाल और मजबूत देश बनाएगा। मैं एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा क्योंकि इस वक्त कर्तव्य पथ से परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता निकल रहे हैं। जो जिप्सीज आप देख रहे हैं सलामी दे रहे हैं और इनके पीछे होगा मिस्र का सैन्य दस्ता, क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी हमारे आज जो हिज एक्सीलेंसी अल सीसी वो आज मुख्य अतिथि हैं, तो उनके राष्ट्र का दस्ता भी, तो ये पीछे जो हमें दिखाई दे रहा है ये मिस्र का दस्ता है जो परेड कर रहा है विशेष तौर पर रिपब्लिक डे में। आज जो इजिप्ट है उसके भारत और इजिप्ट की मैत्री के 75 साल पूरे हुए हैं, इस साल इसी उपलक्ष में उन्हें बुलाया गया है। हमारा नजदीकी सहयोगी है और इजिप्ट के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत देश है, एक से एक पिरामिड्स। चलो सिन्हा आप बताइए कि मिस्र के राष्ट्रपति विशेष अतिथि के तौर पर आज आमंत्रित किए गए हैं और जैसे कि दीपक जी भी बता रहे हैं एक लंबी लेगेसी है फ्रेंडशिप की, कल्चरल एक्सचेंज की, कितना आपको लगता है महत्व है आज मिस्र और भारत की दोस्ती, क्या बड़ा संदेश जा रहा है विश्व में? कई माने ये बहुत दूर की जो दूरगामी सोच का द्योतक है मैं जो मैं देख रहा हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ बहुत कुछ नहीं बोल सकता। देखिए मिस्र का इतिहास जो है बड़ा रिच इतिहास रहा है, पिरामिड्स जैसा दीपक जी ने कहा पिरामिड्स का इतिहास है। और मिस्र यदि आप गल्फ कंट्रीज़ के गीत की बात करें तो एक महत्वपूर्ण देश है। जब इतना महत्व दिया जा रहा है हेड ऑफ द स्टेट को तो आप समझिए कि मित्रता हम दोनों देश के बीच में बहुत गाढ़ी होने जा रही है और हम बहुत तरह का एड इजिप्ट को देने जा रहे हैं। इजिप्ट की आज की जो अवस्था है बहुत अच्छी नहीं है, तो जब जो कष्ट में है उसको यदि हम मदद करेंगे तो हमको लगता है कि उसको ज़िंदगी भर ऋणी होना चाहिए। तो ये जो डिप्लोमेसी में जो ये प्रयत्न किया गया है इसका बहुत दूरगामी रिजल्ट होगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं फटाफट बता दूं कि अब कौन है कर्तव्य पथ पर। 61 कैवलरी है, मेजर रायजदा शौर्य बाली जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। आदर्श वाक्य है अश्व शक्ति यशोबल, और रेजिमेंट को अब तक 39 युद्ध सम्मान मिल चुके हैं। रेजिमेंट को अलग अलग 311 सम्मान मिले हैं। इतिहास में दर्ज अंतिम कैवलरी युद्ध में भाग लेने का गौरव इन्हें मिला है 1918 में हाइफा की लड़ाई में तुर्कों का इन्होंने सामना किया था। हाइफा की लड़ाई जिसके बाद इसराइल आज़ाद हुआ और हम तीन मूर्ति में आज भी देखते हैं वो जो तीन मूर्ति सजी हुई है वो हाइफा की लड़ाई के बारे में सजी हुई है। और ये कैवलरी भाई, और कैवलरी के बाद आ रहा आएगा MBT अर्जुन टैंक, टैंक का हम इंतजार करते हैं एकदम। पहली बात तो ये है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और प्रेफर करते हैं हाइट अच्छी हो और ऑफिसर्स कैडर जो है वो अच्छे घुड़सवार हों तो उनको दिया जाता है। कुछ लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि अब तो मॉडर्न देश हो गया है, मॉडर्न आर्मी है, तो उसमें घुड़सवार की क्या जरूरत है? तो मैं कहना चाहता हूँ ये गरिमा प्रदान करती है राष्ट्रपति के ओहदा को और देश के। अब रिपब्लिक डे वगैरह में जब ये चलते हैं घुड़सवारी तो आप देखिए कितना कितना अच्छा दृश्य देखने को मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे दीपक जी ने कहा बैटल ऑफ हैफा, इसराइल इतना कृतज्ञ है इस देश का कि हैफा में जो हमने जीत उनके लिए दिया उनको, तो वो आज कृतज्ञ हैं। और तीन मूर्ति पे जो तीन मूर्तियाँ लगी हुई हैं वहाँ इसराइल के प्रतिनिधि दो तीन बार आके सम्मान उन्होंने किया है। बिल्कुल ठीक है, कर्तव्य पथ पर अब दिखाई दे रहे हैं आपको अर्जुन टैंक। आप बात कर रहे थे ना मेक इन इंडिया, अर्जुन टैंक मेक इन इंडिया मल्लिका। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।